अपन तुम्हारे पास रिकॉर्ड है कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था? आई रिमेम्बर कि हमने वेक्टर्स का वो जो रेजोल्यूशन वाला टॉपिक है वो शुरू कर दिया था। अब तुम ये देखो ना कि आखिरी चीज क्या हुई हुई है तुम्हारे पास, अगर रिकॉर्ड है। हाँ, मेरे भी ख्याल में हमने लास्ट टाइम यही किया है। हमने ये वाली स्क्रीन कॉपी की हुई है, ये वाली स्क्रीन जरा नोट्स में चेक कर लो। ठीक है, चलो ये वाली हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ अ नॉर्मल वेक्टर इनटू आईजे फॉर्म। ये वो स्पेशल केस है जो सिलेबस में बाद में ऐड हुआ था, वेक्टर का ये वाला पार्ट जो है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, ठीक है। अब ये हम यूज करेंगे इसमें रेजोल्यूशन मेथड। पिछली क्लास में हमने रेजोल्यूशन मेथड को डिस्कस किया था। अब इसमें देखो, एज यूजुअल पहले हम कुछ स्टेप्स तय कर लेते हैं। ड्रॉ द गिवन वेक्टर, रिजॉल्व द गिवन वेक्टर, और फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज आई एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज जे। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अब इसमें तीन स्टेप्स हैं. ड्रॉ द गिवन वेक्टर ऑन एन एक्सिस, स्टेप टू रिजॉल्व द गिवन वेक्टर. ठीक है, अब देखो एग्जांपल रखते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये नोट सेक्शन में रखिएगा. एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकंड एंड अ बेरिंग एट अ बेरिंग ऑफ 0.45. कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू आई एंड जे फॉर्म. ये वाली एग्जांपल कॉपी करो. ठीक है, अब देखो पहला स्टेप नोट करो. मैंने सबसे पहले वेक्टर को प्लॉट किया. 45 डिग्री उसका बेरिंग है और 25 मीटर पर सेकंड उसकी मैग्नीट्यूड है. स्टेप वन शेयर करो. ठीक है, अब इसको तुम आगे चलाओ. देखो अब स्टेप टू क्या है कि तुम इसको रिजॉल्व कर दो, जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था. अब तुम पिछली डायग्राम को अपडेट मत करना और इसको एज अ न्यू डायग्राम कॉपी करना ताकि वो स्टेप तुम्हें बाद में कंपेरेटिव हो सके. तो ये वाला स्टेप देखो जो पिछली क्लास में सिखाया था.
फिर उसी स्टेप को अपडेट कर लो, चलो अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाली एग्जाम्पल कॉपी करो, ठीक है। अब तुम इसको शुरू करो, मैं जरा वजू करके आ रहा हूं। तो आप इसको शुरू करो, मैंने इसका पहला स्टेप स्क्रीन पे शो किया। जो एंगल होता है वो या तो एक्स से लेते हैं या वाई से, वो पूरा बेरिंग को हम डायरेक्ट रिजोल्व, इतने बड़े बेरिंग को डायरेक्ट रिजोल्व नहीं कर सकते।
देखो मैंने इसको रिजॉल्व किया है, तुम इसको कंपेयर करना। इसको कंपेयर करो और फिर जब तुम कंपेयर कर लो तो इसको तुम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, प्लस माइनस मार्क करो और फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। कंपेयर करो, अगर आंसर सेम आ रहा है तो मुझे अपडेट करो। हाँ बताइएगा इरफान इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर। गुड, सही। चलो अब हमने वेक्टर का टॉपिक चूंकि अपडेट हुआ था तो वी हैव कंप्लीटेड माशाल्लाह एवरीथिंग फ्रॉम इट। और अब ये जो है चैप्टर हमने इसके पास्ट पेपर पहले ही थोड़े से कर लिए थे तो वी कैन वाइंड अप दिस चैप्टर नाउ। और इसमें हम पेपर वन के क्वेश्चन हमने पहले ही किए थे, जरा असल चीज तो पास्ट पेपर ही है। तो अब तुम पास्ट पेपर की जो बुक टू है ना, पेपर टू की जो बुक है वो लेकर आ जाओ।
बुक ले आओ तो मुझे बताना। ठीक है, अब इसका ये क्वेश्चन पहले देखो, लुक फॉर द क्वेश्चन। नवंबर 20 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट लुक फॉर इट कि ये मिल जाए उसमें। गुड, अब ये वाला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो उसी पैटर्न पर हैं कि पहले आप जो हैं पहले आप वो निकालें क्या कहते हैं उसको, हाँ वो जो हेड टू टेल वाली लॉजिक लगाएं। और हेड टू टेल वाली लॉजिक लगाकर उससे सॉल्व करें, शुरू करें। और मैंने इसका पहले दो पार्ट शो किए हैं, आप इसको शुरू करो। मैं जरा नमाज पढ़ लेता हूं और फिर हम इसको मिलके डिस्कस कर लेते हैं।
बताना अफान, हैव यू डन पार्ट ए एंड बी? पार्ट ए और बी का फीडबैक दे दो। गुड, ठीक है, फिर इसका पार्ट सी शुरू करो। पार्ट नंबर थ्री, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ये एक परमिनेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही करता है कि दो मरतबा एक चीज निकलवाएगा, दोनों मरतबा इसने ओ एक्स निकलवाया ना, तो तुम दोनों ओ एक्स को कंपेयर कर लो। आई थिंक क्वेश्चन में फर्क है, मैं या तो कोई और दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। अच्छा, आई थिंक आई हैव ओपन द रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, ये है ना, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। राइट राइट, ए और बी हो गए, सी सॉरी। गिवन दैट क्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स क्यू एस, फाइंड ओ एक्स इन टर्म्स ऑफ दिस। अच्छा, इसमें सी और डी में दो मरतबा भी ओ एक्स निकालना है। ये है, इसको कंप्लीट करो सी और डी, फिर इसका एक पार्ट अगर और है तो। इन तमाम क्वेश्चन में असल चीज तो वो हेड टू टेल बनाना है। हाँ, फिर ई पार्ट भी है इसमें, फिर वो कंपेयर वाला चक्कर आएगा। कंप्लीट करो। ये आंसर्स आए तो कंपेयर करना।
इसका आंसर आ जाए तो कंपेयर करो, बताओ। ठीक है, अब इसका जो कंपेयर वाला पार्ट है उस पे आ जाओ, ये वाला पार्ट। वो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो उसको जो कंपेयर वाला पार्ट है उसको करो और आंसर मेरे साथ भी शेयर करो। दो मर्तबा ओ एक्स निकला हुआ है, उसको कंपेयर कर लो। देखो आंसर कंपेयर हो तो मुझे बताना।
पिछले वाले पार्ट का अगर म्यू और उसका आंसर तुम्हारे पास आ जाए तो फिर मुझे कंपेयर करके बता दो। इसकी वर्किंग चेक करो और फिर पार्ट नंबर जो एफ है वो करना है। हाँ अफान, इफ यू कैन हियर मी प्लीज अपडेट ऑन पार्ट नंबर ई। ओके
वंस यू आर डन प्लीज फंड मुझे अपडेट करो तुम्हारा जब ये पार्ट पूरा हो जाए. गुड. फिर इसका जो अगला पार्ट अगले दो पार्ट हैं वो उसमें म्यू और लैम्डा की वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं. उसने कहा है क्यू एक्स रेशो क्यू एस करो, तो वो रेशो कैसे बनाऊंगा क्योंकि म्यू की वैल्यू मुझे पता है 5/8 है. अब अगर वो टोटल 8 है यानी क्यू एक्स जो है वो टोटल 8 है तो जो एक्स एक्स को शेयर बचेगा वो 3 होगा, इससे रेशो बन जाएगी. ऐसी ही लॉजिक नीचे भी लगा दो. पार्ट नंबर एफ और जी ये दो पार्ट करने.
कंप्लीट हो जाए तो मुझे प्लीज अपडेट कर दो। सही है, गुड। ये क्वेश्चन हो गया और अब आप इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन सर्च करो, जून 20 पेपर 21। अगर ये क्वेश्चन मिल जाता है ये वाला क्वेश्चन मिला है ये क्या उसमें? ठीक है, ये शुरू कर लेते हैं। ये है जून 20 पेपर 21। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इसमें वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म बना लो पहले और उसके अंदर पुट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ।
इसको कंप्लीट कर लो तो मुझे बताना। गुड, अब देखो ये एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं और हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो उसी तरह का क्वेश्चन है और इसको लास्ट क्वेश्चन रख लेते हैं। विंटर 19 पेपर 2-3 का 9। आप पहले क्वेश्चन सर्च कर लो, इफ यू गेट द क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर मिल जाए तो मुझे बताओ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अवेलेबल है तो इसको जल्दी से कर लो, शुरू कर लो। विंटर 19-2-3 बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे हमने आज पहला क्वेश्चन किया था ना। इन सारे क्वेश्चंस में एक ही प्रिंसिपल है और वो ये कि आप पहले हेड टू टेल बनाएं, हेड टू टेल इक्वेशन बनाएं और उसमें वैल्यूज पुट करते जाएं। इसको कंपेयर करें।
चलो इसका बता दो, अगर तुम्हारा अफन पार्ट वन हो गया है तो मुझे फीडबैक दे दो। ठीक है, अब देखो ये एक पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, और अगर तुम इसको देखोगे तो दूसरे पैटर्न वो कहता है कि बी एक्स इज इक्वल टू म्यू बी सी। अब ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे तुमने पहले किया सॉरी। तो अब इसमें गिवन दैट बी एक्स इज इक्वल टू म्यू बी सी, अब ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, और तुम इसको अब घर पे ट्राई करना। अगर तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। हम अभी फिर आज का काम यहीं तक रख लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।